हे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपर लिम मसल्स एंड नर्व्स। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नर्व सप्लाई फॉर प्रोनेटर टीरीज, सुपाइनेटर, फ्लेक्सस पॉलिसस लॉन्गर, एक्सटेंसर पॉलिसस लॉन्गस। तो इन चारों में से अगर आपको एक की भी नर्व सप्लाई पता है तो आप नंबर वन डालो, और अगर नहीं पता है तो आप नंबर टू डालना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि यहाँ पे कितने नंबर वन वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले रेडियल नर्व से। फ्रेंड्स, बहुत सारी मसल्स होती हैं हमारी अपर लिम में, अगर हम मसल वाइज याद करने बैठे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बेस्ट वे क्या है कि एक हमने नर्व ले ली, उस वो किस किस मसल को सप्लाई करती है वो हम याद रखेंगे। तो पहले है हमारा रेडियल नर्व। तो आपको अपर लिम में ये याद रखना है कि जैसे ये हमारा एक्सटेंसर सरफेस है, ये हमारा फ्लेक्सर सरफेस है। ऐसे एनाटॉमी की पोजीशन होती है, इसे हम फ्लेक्सर बोलते हैं, फ्लेक्सर सरफेस, और इसे ही ये यही एंटीरियर होता है, और ये एक्सटेंसर सरफेस और पोस्टीरियर ये होता है, ठीक है। तो जो रेडियल नर्व होती है वो पोस्टीरियर जो हमारा कंपार्टमेंट होता है, मतलब ये एक्सटेंसर सरफेस, उसकी मसल्स को सप्लाई करती है अकेली। और जो फ्लेक्सर सरफेस होता है उसमें ये जो अल्ना है हमारा लिटिल फिंगर वाला, वो मीडियल होता है, और इस साइड थंब वाला लैटरल होता है। तो जो अल्ना नर्व होती है वो अल्ना की तरफ सप्लाई करेगी अल्ना वाली मसल्स को, और जो मीडियल नर्व होगी वो इस साइड की मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है। फ्लेक्सर सरफेस में दो नर्व, और एक्सटेंसर सरफेस पे सिर्फ एक, वो भी रेडियल। तो हम स्टार्ट करते हैं रेडियल से। रेडियल नर्व की रूट वैल्यू होती है C5, C6, C7, C8, T1। जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है C5, C6, C7, C8, T1। तो इन दोनों को मिला के एक, और इन दोनों को मिला के एक, ठीक है। तो जो रेडियल नर्व होती है वो निकलती है हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड से, ठीक है, ये याद रखना है। पोस्टीरियर कॉर्ड से ये निकलती है, यहाँ से हम आगे डिवीज़न पे जाएंगे, ये रूट्स थी, आगे डिवीज़न पे जाएंगे, डिवीज़न जब मिलके जो बनाएंगी वो कॉर्ड होगा। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है, ठीक है। ये वाली बीच वाली जो होती है ना, वो सबसे मिलके बनी है। पोस्टीरियर कॉर्ड सभी रूट्स से मिलके बना है, और यही आगे चल के रेडियल नर्व बनाएगा। तो रीज़न में देखते हैं, जैसे ये ह्यूमरस है हमारा, ठीक है, ये ह्यूमरस पे ये रेडियल हमारी ग्रूव है, ठीक है। तो रेडियल ग्रूव से ऊपर जो होगा हमारा, जो होगा वो होगा लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। यहाँ पे हमारा होता है, ये जो है वो हमारा मीडियल हेड है, और यहाँ से लॉन्ग हेड हमारा निकल के आता है, ये लॉन्ग हेड है। तो हम देखते हैं, बिफोर स्पाइरल ग्रूव सप्लाई करेगी लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, इन द रेडियल ग्रूव वो करेगी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को और एनकोनियस को। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अपर आर्म है, ठीक है। तो अपर आर्म में जो रेडियल नर्व है वो सप्लाई करेगी ट्राइसेप्स को, ये तीनों हेड है ट्राइसेप्स के प्लस एनकोनियस, ठीक है। एंड आफ्टर स्पाइरल, मतलब लोअर आर्म में करेगी वो ब्रेकियो रेडियालिस, एक्सटेंसर कापे रेडियालिस लॉन्गस एंड ब्रेकियालिस, वो भी लैटरल पार्ट, ठीक है। बिफोर पियर्सिंग सुपाइनेटर, अब उसके बाद ये बात याद रखनी है रेडियल नर्व में, आपको सुपाइनेटर मसल याद रखना है कि इंपॉर्टेंट है रेडियल नर्व का रिलेशन सुपाइनेटर से। तो वो पियर्स करती है सुपाइनेटर को, वहाँ पे ये सप्लाई करती है एक्सटेंसर कापे रेडियालिस ब्रीविस को एंड सुपाइनेटर को, एंड एड सुपाइनेटर ऑब्वियसली सुपाइनेटर करेगी। आफ्टर पियर्सिंग सुपाइनेटर, सुपाइनेटर के बाद वो क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस लाइन। मैंने आपको बताया था ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस है, इसलिए जो आफ्टर पियर्सिंग सुपाइनेटर वो हो जाएगी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, और वो सप्लाई की देखो इतने सारे मसल्स को, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कापे अल्नारिस, एक्सटेंसर पॉलिसस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसस ब्रीविस, एक्सटेंसर इंडिसिस एंड अबडक्टर पॉलिसस लॉन्गस, ठीक है। ये हमें सब में एक बात क्या कॉमन है, एक्सटेंसर, ठीक है, और एबडक्टर पॉलिसस लॉन्गस, ये आपको याद रखना है। तो जो भी एक्सटेंसर से स्टार्ट हो रही है मसल, वो सारी रेडियल नर्व सप्लाई करेगी, ये ट्रिक है। अब हम ड्रॉ करके देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे। जैसे ये हैंड मैं बना दूँ, क्या बनाना है हमें, पोस्टीरियर आस्पेक्ट, ठीक है, पोस्टीरियर आस्पेक्ट बनाना है हमें हैंड का। ठीक है, ये मैंने बोन बना दी ह्यूमरस, ठीक है, इधर अल्ना रेडियस, इधर ही अब हम नर्व बनाएंगे रेडियल नर्व, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड से अराइज होगी, और यहाँ पे ये ब्रांच देगी ट्राइसेप्स को, इधर एनकोनियस को, फिर ये पीछे से रेडियल ग्रूव में ऐसे पीछे से रोल होके आ रही है
एंटीरियरली, ठीक है, यहाँ पे भी ट्राइसेप्स के दूसरे हेड्स को दे रही है। देन उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे किसे देगी, ब्रेकियालिस, जैसे ये था ना पहले ट्राइसेप्स और एनकोनियस के लिए, तो यहाँ से इसने दे दिया ट्राइसेप्स को, इधर से भी ट्राइसेप्स के दूसरे हेड को दे दिया, ये इसने दे दिया एनकोनियस को, ठीक है। एनकोनियस के बाद यहाँ पे नीचे हमने आफ्टर स्पाइरल ग्रूव, स्पाइरल ग्रूव ये है पीछे से ये जो घूम घूम के आ रहा है, उसके बाद इसने देना है ब्रेकियालिस को, ब्रेकियालिस, उसके बाद ब्रेकियालिस के बाद हम ब्रेकियो रेडियालिस को देंगे, फिर ब्रेकियो रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पल रेडियालिस लॉन्गस, ठीक है। फिर उसके बाद ये सुपरफिशियल होके आगे ये थंब साइड डिजिट्स इस तरफ जाएगी, ठीक है, इस तरफ जाएगी, और फिर इसके बाद ये जो डीप ब्रांच, ये तो सुपरफिशियल ब्रांच है, ये डीप ब्रांच इधर की तरफ आएगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये दो तो आपको याद हो गएंगे, ट्राइसेप्स और एनकोनियस, उसके बाद ब्रेकियालिस, ब्रेकियो रेडियालिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, ठीक है, एक्सटेंसर याद रखना है, लॉन्गस। उसके बाद नीचे देखिए ब्रीविस है, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस के नीचे ही यहाँ पे छोटी सी यह है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रीविस, ठीक है। फिर ब्रीविस के बाद हम इम्पॉर्टेंट मसल है सुपाइनेटर, सुपाइनेटर आपको याद रखना है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये मैंने अपर लिम का डायग्राम बनाया है। यहाँ पे ये ह्यूमरस बोन है और इधर है रेडियस एंड अल्ना, ये ग्रीन से जो आपको दिख रही है पहले पोस्टीरियरली रेडियल ग्रूव से आके एंटीरियर हो गई है, तो अपर आर्म में वो ट्राइसेप्स और एनकोनियस को सप्लाई करेगी। ट्राइसेप्स के हेड जो मैंने यहाँ पे बताए थे, ये लैटरल, ये मीडियल और ये लॉन्ग हेड, ट्राइसेप्स और एनकोनियस अपर आर्म में, देन लोअर आर्म में ये ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियो रेडियालिस के बीच से निकल के दोनों को सप्लाई करेगी, और फिर एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस को करेगी, देन ब्रीविस उसके बाद। आपको ये याद रखना है कि जो सुपाइनेटर है, ठीक है, सुपाइनेटर को पियर्स करती है रेडियल नर्व, तो रेडियल नर्व आई और प्रॉक्सिमल फोरआर्म में सुपाइनेटर को पियर्स करके वो सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो तो आगे चल के ये डिजिटल ब्रांचेस बनाएंगी, यहाँ पे हाथ फिंगर्स को सप्लाई करेगी ये इधर की तरफ। देन उसके बाद ये जो डीप वाली ब्रांच है वो एज अ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, तो मैंने आपको बताया था ये एंटीरियर होता है हमारा, ये हमारा पोस्टीरियर होता है, तो ये क्योंकि यहाँ पे मसल डिवाइड, नर्व डिवाइड कर रही है, इसलिए हम इसे बोलेंगे पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। ये सप्लाई करती है इतने सारे मसल्स को, एक्सटेंसर डिजिटोरम को, एक्सटेंसर डिजिटोरम जो जो ये जो ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, उनका क्या करती है, एक्सटेंशन करती है ये वाले, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम। फिर एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस, अल्नर डेविएशन के साथ रिस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। देन एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ये सप्लाई कर, ये वाला काम होता है इसका, एक्सटेंशन ऑफ लिटिल फिंगर। फिर है एक्सटेंसर इंडिसेस, एक्सटेंसर इंडिसेस मतलब इंडेक्स फिंगर के लिए इंडेक्स फिंगर का एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एंड ब्रीविस, तो इसका ये जो होता है हमारा रिफ्लेक्शन होता है और इधर ये एक्सटेंशन होता है, तो अगर हम इधर से देखेंगे तो ये वाली मूवमेंट जो हो रही है, ये जो मसल करवा रही है उसको सप्लाई करती है। देन एक अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, तो ये होता है अडक्शन और ये होता है अबडक्शन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये जो करवाती है वो इस साइड मसल होती है, इसलिए ये सप्लाई किससे होती है, रेडियल नर्व से। तो फ्रेंड्स अब सम अप करते हैं रेडियल नर्व को, आपको पता चल जाओ खुल गया होगा कि एक्सटेंसर सरफेस को सप्लाई करती है मेनली, अपर आर्म में करेगी ट्राइसेप्स एंड एनकोनियस, लोअर आर्म में किसको, ब्रेकियो रेडियालिस एंड ब्रेकियालिस, ये ब्रेकियालिस, देन उसके बाद ब्रेकियो रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस लॉन्गस एंड ब्रीविस, दोनों का काम होता है रेडियल डेविएशन के साथ रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंशन। देन प्रॉक्सिमल फोर आर्म में सप्लाई करेगी
एज अ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करेगी पहले सुपाइनेटर को, सुपाइनेटर के बाद करेगी एक्सटेंसर डिजिटोरम, मैंने बताया था मेटाकार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट, ये जो होती है ना ये वाली मूवमेंट, इससे देन एक्सटेंसर कार्पो अल्नारिस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी ये वाली लिटिल फिंगर के लिए, एक्सटेंसर इंडिसिस इंडेक्स फिंगर के लिए, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस थम के लिए, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस ये भी थम के लिए, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस ये भी थम के लिए। तो ये सारी सात की सात मसल सप्लाई करेगी कौन, रेडियल नर्व एज अ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं हमारे दूसरे नर्व की तरफ। अब हम बात करते हैं मीडियन नर्व की। मीडियन नर्व की रूट वैल्यू होती है C5, C6, C7, C8, T1। तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से रूट्स आई, यहाँ से ये नर्व आगे जा रही है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो डॉटेड लाइन डिनोट कर रही है एक्सिला को, उसके बाद एल्बो जॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जहाँ से इसका ओरिजिन है और एल्बो तक, कोई भी ब्रांच नहीं है इसकी, किसी भी मसल को सप्लाई नहीं कर रही है वो यहाँ पे मीडियन नर्व। जैसे ही फोरआर्म आता है, फोरआर्म में वो जैसे ये है फोरआर्म, यहाँ पे एल्बो जॉइंट के पास अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है ऐसे, ये जो मेरा थंब है ये डिनोट करता है प्रोनेटर टीरीज, ऐसी इसकी प्लेसमेंट होती है प्रोनेटर टीरीज की। तो ये मीडियन नर्व क्या करती है, पियर्स करती है प्रोनेटर टीरीज को, दो हेड्स होते हैं प्रोनेटर टीरीज के, उनके बीच से निकलती है। तो आपको प्रोनेटर टीरीज इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि प्रोनेटर टीरीज का रिलेशन होता है मीडियन नर्व से। उसके बाद ये करती है पामेरिस लॉन्गस को, पीएल पामेरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, ये ऐसे फ्लेक्स करने वाली, ठीक है रिस्ट को फ्लेक्स करने वाली। देन उसके बाद है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। जैसे आपको पता होगा कि जो अभी मैंने बताया था कि ये एक्सटेंसर सरफेस होता है, यहाँ की नर्व कौन सी होती है रेडियल, और इस साइड की फ्लेक्सर सरफेस की नर्व होती है इधर रेडियस की तरफ होगी, तो वो होगी मीडियन नर्व, ये मीडियन नर्व होगी। और अगर वो अल्ना की तरफ है, लिटिल फिंगर की तरफ है, तो वो होगी अल्नर नर्व, ठीक है अल्ना और अल्नर नर्व, ठीक है बहुत सिंपल है। और जो रेडियस साइड की होगी वो होगी मीडियन नर्व फ्लेक्सर सरफेस पे। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, देखिए इसका नाम में फ्लेक्सर आ रहा है, डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है। जो प्रोफंडस है वो उसका मीडियल और लैटरल पार्ट होता है, तो जो मीडियल वाला पार्ट होगा मतलब ये वाला पार्ट, वो सप्लाई करेगी अल्नर नर्व, और जो लैटरल पार्ट होगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का ये इस साइड वाला, तो वो सप्लाई किस कौन करेगा मीडियन नर्व, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। जो रेडियल नर्व होती है वो पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करती है, इसलिए उसकी जो ब्रांच होती है वो होती है पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। तो ये एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस की नर्व क्या होगी एंटीरियर इंटरोशियस नर्व, वो होगी मीडियन नर्व, ठीक है। अब हम देखते हैं किस किस को सप्लाई कर रही है ये रिस्ट जॉइंट तक। तो रिस्ट जॉइंट से पहले पहले प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ पे होता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मैंने बता दिया है, और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस फॉर थंब ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम आते हैं रिस्ट जॉइंट के बाद, ठीक है। तो रिस्ट जॉइंट के बाद ही सप्लाई करती है थीनर मसल। अब थीनर मसल कौन सी होती हैं, जैसे ये थंब वाली जो होती हैं वो थीनर मसल्स होती हैं, और जो लिटिल फिंगर वाली होती हैं, और जो ये हाइपोथीनर मसल्स होती हैं ये लिटिल फिंगर के साइड वाली, वो होती है अल्नर नर्व से सप्लाई, ये होती है मीडियन नर्व से सप्लाई, ठीक है ये याद रखना आपको। तो जो थीनर मसल्स होती हैं वो होती हैं तीन। अब वो बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं, वो याद रखने की एक ट्रिक है मेरे पास, ठीक है वो मैं अभी आपको बताती हूँ इनके बाद। तो थ्री थीनर मसल्स सप्लाई होगी फर्स्ट सेकेंड लम्ब्राइकस। तो मैंने आपको पहले बताया जो अल्ना की तरफ है वो सप्लाई होगी अल्नर नर्व से, और जो रेडियस की तरफ है वो सप्लाई होगी मीडियन नर्व से। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये फोर्थ वाले का हाफ, तो थ्री एंड हाफ फिंगर्स जो होगी वो मीडियन नर्व सप्लाई करेगी, और वन एंड हाफ करेगी अल्नर नर्व। तो वही लिखा मैंने, पामल डिजिटल ब्रांच लैटरल थ्री एंड हाफ फिंगर्स, तो ये मीडियल है और ये लैटरल है, तो ये लैटरल थ्री एंड हाफ फिंगर्स एंड देन पामर क्यूटेनियस ब्रांच स्किन को सप्लाई करेगी, ठीक है। अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत ही सिंपल है, बहुत कामयाब है, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ठीक है बहुत ही सिंपल है। तीन मसल के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, ये याद रखना आपको, अबडक्शन,
ठीक है, और पॉलिसिस, पॉलिसिस क्या होता है, थंब और इंडेक्स, ये लिटिल फिंगर के लिए इंडेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम, मैं थीनर बता रही हूँ आपको, थीनर का देखते हैं पहले। तो पहले आया ऑल, ठीक है, ऑल से हम याद रखना अबडक्शन, जो हमने किया था ना अभी, अबडक्शन, अबडक्टर, पॉलिसिस, लॉन्गस, ठीक है, सॉरी लॉन्गस नहीं होगा यहाँ पे, ब्रीविस होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी मसल, लॉन्गस तो ऊपर ही, अबडक्टर, पॉलिसिस, लॉन्गस तो रेडियल नर्व सप्लाई करती है, तो ब्रीविस जो है वो सप्लाई करती है मीडियल नर्व। फ्लेक्सर, पॉलिसिस, ब्रीविस एंड अपोनेंस पॉलिसिस, तो आप इन तीनों में एक चीज़ कॉमन देखोगे, पॉलिसिस, ठीक है, और ब्रीविस, इन दोनों में कॉमन देखोगे। तो ऑल जो था हमारा अबडक्टर, पॉलिसिस, ब्रीविस, फॉर जो था वो हमारा फ्लेक्सर, पॉलिसिस, पॉलिसिस ब्रीविस रहेगा, क्यों, क्योंकि ये थीनर मसल्स हैं और ये पॉलिसिस होता है, और छोटी छोटी मसल्स होती हैं इसलिए ब्रीविस। तो ये हमारा क्लियर हो गया। और अपोनेंस पॉलिसिस थर्ड वाला, ये हमारी थी थीनर मसल्स, ठीक है, जो हाइपोथीनर मसल्स होती हैं, हाइपोथीनर, वो भी इससे ही बन जाती हैं, इसी शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही सिंपल आसान सा शॉर्ट ट्रिक है। अब वन है, अब हमें हाइपोथीनर जो होती है, मैंने बताया था इधर वाली होती हैं, और ये क्या है, ये है लिटिल फिंगर, तो डिजिटी मिनिमी कहते हैं इसको, डिजिटी मिनिमी, ठीक है, ये डिजिटी मिनिमी आप लिख लो यहाँ पे। तो फर्स्ट है अपोनेंस, अपोनेंस, अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ठीक है, लिख देती हूँ अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ठीक है, फिर फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, और ऑल अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, तीनों में क्या है, डिजिटी मिनिमी, डिजिटी मिनिमी, क्यों, क्योंकि ये लिटिल फिंगर वाली मसल्स हैं, हाइपोथीनर मसल्स हैं, और ओपोनेंस आप इससे याद रखोगे वन से, फ्लेक्सर आप रखोगे फोर से, और ऑल से रखोगे अबडक्टर। वैसे ही थीनर मसल्स में क्या हो जाएगा, ऑल के लिए आप अबडक्टर, और पॉलिसिस ब्रीविस वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे डिजिटी मिनिमी था, पॉलिसिस ब्रीविस, क्यों, क्योंकि ये थंब है। देन एफ के लिए फ्लेक्सर, पॉलिसिस, ब्रीविस, और ओ फॉर ओपनेस। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा होगा, और अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये थीनर एंड हाइपोथीनर मसल्स। एक क्विक डायग्राम बना लेते हैं मीडियन नर्व के लिए, जैसे हमने रेडियल नर्व के लिए बनाया था। ये हमारा ह्यूमरस है, ये फिंगर्स, ठीक है, ये हैंड बना दिया मैंने, ठीक है, इधर ये ह्यूमरस हो गया। अब हम बनाते हैं नर्व, ठीक है, तो नर्व यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है, नर्व आई यहाँ पे एक्जिला में, और एल्बो जॉइंट तो कोई भी ब्रांच नहीं देगी, यहाँ पे आते आते किसे देगी, प्रोनेटर टीरीज को, फिर उसके बाद किसे देगी, प्रोनेटर टीरीज पढ़ा था हमने, प्रोनेटर टीरीज के बाद हमने पढ़ा था ये ब्रांच देगी यहीं पे, ये ब्रांच देगी किसे, पामेरिस लॉन्गस को, और क्या था यहाँ पे, एक और थी हमारी, क्या याद रखना हमें, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उसका सिर्फ लैटरल पार्ट, ठीक है, यहाँ से ब्रांच दे दिया, उसके बाद ये इधर आई, और यहाँ पे थंब की साइड ये सप्लाई करेगी, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको कि ऊपर कोई भी मसल नहीं बनानी, नीचे ये सारी मसल जो आपने पढ़ी थी, और यहाँ पे कौन सी, थीनर मसल्स, और डिजिटल थ्री एंड हाफ, थ्री एंड हाफ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा डायग्राम था मीडियन नर्व के लिए। अब हम चलते हैं अल्नर नर्व की तरफ। अल्नर नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C7, C8, T1, ठीक है। तो C7 इसकी बहुत बहुत लिटिल पार्ट, और मेनली C8, T1, ठीक है। एक सिंपल डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्योंकि अल्ना है तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ये
इधर वाली मसल फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, जो कि क्या करेगी, रिस्ट फ्लेक्शन विद अल्नर डेविएशन। ये अल्नर डेविएशन होता है, ये रेडियल डेविएशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोफंडस का कौन सा, मीडियल पार्ट, ठीक है, मीडियल पार्ट। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा, तीन मसल्स आ जाएंगी। ये तीनों कौन सी मसल्स हैं, जो हमने पढ़ा था, हाइपोथिनर मसल्स, ठीक है, हाइपोथिनर मसल्स। और वो कैसे हम मैंने याद करवाया था, वन फॉर ऑल अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ओ से हो जाएगा, फॉर से फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, और वन फॉर ऑल, ऑल ए अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ठीक है। तो हो गया, ये हाइपोथिनर मसल्स हो गए। देन यहाँ पे लम्ब्राइकल्स, थ्री एंड थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल्स, ठीक है। मैंने शायद लम्ब्राइकल्स नहीं बताया मीडियन नर्व में, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड जो लम्ब्राइकल्स होते हैं, चार ही होते हैं ना लम्ब्राइकल्स, तीन चार होते हैं, फर्स्ट सेकंड मीडियन नर्व और थर्ड फोर्थ अल्नर, ठीक है, अल्नर नर्व। और सारे के सारे इंटरोशियाई, इंटरोशियाई पामर हो या डॉर्सल हो, ठीक है, वो सप्लाई करेगी अल्नर नर्व, ठीक है। अब इससे इतना आइडिया होगा होगा कि जो इससे इतना आइडिया हो गया होगा कि जो अल्नर नर्व है वो स्मॉल जो मसल्स हैं हैंड के, उनको सप्लाई करती है, ठीक है। तो अल्नर नर्व से याद रख लो, यहाँ यहाँ की मसल सप्लाई करती है मेनली। ऊपर तो कितनी कम, दो ही करती है, ये वाली करती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की लैटरल मीडियल पार्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलते हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, हाँ, इन फोर आर्म प्रॉक्सिमल वन थर्ड में ये दो मसल, ठीक है, डिस्टल में कुछ नहीं कर रही, रिस्ट पे क्या कर रही है, हाइपोथिनर मसल्स को कर रही है, जो मैंने तीन बताए थे आपको, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, वो वाली शॉर्ट ट्रिक। देन उसके बाद डीप ब्रांच किसको दे रही है, अडक्टर पॉलिसिस को एंड पामर, अडक्टर पॉलिसिस याद रखना है आपको, अडक्टर पॉलिसिस और पामर और डॉर्सल तो मैंने बता दिया, और मीडियल टू लम्ब्राइकल्स ये भी मैंने बता दिया। तो ये था तीन नर्व्स जो हमारे हैंड की, अपर लिम की जो मसल्स सप्लाई होती हैं तीन नर्व से, रेडियल, मीडियन एंड अल्नर, ठीक है। तीनों का मैंने आपको बता दिया है, और आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखें और उसे लिखें ज़रूर, ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ही लिख के प्रैक्टिस करें। मैं देखना चाहती हूँ आप कमेंट बॉक्स में कितने, और ईमानदारी से लिखना है, देख के नहीं लिखना है कि कितने आपको याद हुए हैं, ठीक है, कितनी मसल्स आपको, पहले नर्व का नाम लिखना है, जैसे रेडियल लिख लिया और उसकी मसल्स जितनी भी याद हो, सेकंड हम लिखेंगे मीडियन, ठीक है, आपको लिखना ही है, और कितनी मसल्स को जितनी आपको याद है, ठीक है। और फिर से बता दूँ, सारी एक्सटेंसर वाली, सारी फ्लेक्सर वाली, ये फ्लेक्सर वाली, ठीक है, और कुछ ही जो अल्नर साइड वाली वो तो अल्नर ही करेगी, थर्ड जो अल्नर नर्व है, जो अल्नर नर्व है वो सप्लाई करेगी स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड, ठीक है, इंट्रिंसिक मसल्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करें, मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मसल्स किसे याद हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें अगर आपको यूज़फुल लगा, ऑब्वियसली यूज़फुल तो है ही ये, और मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से बताने के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।